मोंगेज मेथड वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत। एग्जांपल्स हम आपके सामने रख रहे हैं, वीडियो दर वीडियो एग्जांपल्स कॉम्प्लिकेटेड करते चल रहे हैं। क्रम से सारे वीडियोस देखिए आप, वीडियो नंबर 6 पूरी ट्रेनिंग होगी आपकी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे वीडियोस हमारे आप देख ले उसके बाद आप ट्रेंड ना हो पाए। शर्त यही कि सब क्रम से देखिए। एग्जाम्पल 6 सॉल्व बाय मॉन्क्स मेथड। मॉन्क्स भी पढ़ते हैं, मैं पहले वीडियो में बोल चुका था, मॉन्क्स भी पढ़ते हैं, मोंगे भी पढ़ते हैं, मोंजी भी पढ़ते हैं। फिलहाल इस हम दो ही उच्चारण निकाल रहे हैं मुंह से, कभी हम मोंगे बोल दे रहे हैं, कभी मॉन्क्स ना। हाँ, अब इसमें विवाद भी पढ़ना ठीक नहीं, गूगल से पूछ लो क्या उच्चारण होगा वही करो। सॉल्व बाई मोंगेज मेथड द इक्वेशन बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से पहचान में आने वाला। R माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू टी माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई वाई। एक्स इंटू आर माइनस एक्स इंटू एस, और इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस एस इंटू वाई। माइनस कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एस। वाई टी है उधर आके हो जाएगा माइनस वाई टी इक्वल्स टू जीरो। कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव कैपिटल आर इक्वल्स टू एक्स, कैपिटल एस इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, कैपिटल टी इक्वल टू माइनस वाई, कैपिटल वी इक्वल टू जीरो। मोंक्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो, और आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दैट इज कैपिटल आर एस टी की वैल्यूज रखें इसमें, एक्स नहीं पहले पहला लिखा जाए, आर की जगह एक्स, एक्स डी पी डी वाई, फिर टी माइनस वाई डी क्यू डी एक्स, वी जीरो है इक्वल्स टू जीरो, एक्स डी वाई स्क्वायर माइनस एस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई, और टी माइनस वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये है मॉन्क सब्सिडियरी इक्वेशंस। इसमें हम सेकंड इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। हम कंसीडरिंग सेकंड इक्वेशन एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दो दो का पेयर बना करके गुणनखंड फैक्टराइजेशन करें, एक्स डी वाई कॉमन, डी वाई प्लस डी एक्स माइनस वाई डी एक्स कॉमन,
डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट डी वाई प्लस डी एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम दो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, पहला ये लेंगे दोनों में ही, दोनों में पहला ये रहेगा और दूसरा एक में ये रहेगा एक में ये रहेगा, ये सब आप जानते हैं। आइए करें ये सब। 10 वी हैव टू सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, thus we have two systems of equations x dp dy minus y dq dx equals to zero, dy plus dx equals to zero, system number one, and x dp dy minus y dq dx equals to zero and x dy minus y dx equals to zero, system number two. समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कहीं कोई दिक्कत हो तो। इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वन वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू सी वन कंबाइनिंग इक्वेशंस ऑफ वन कंबाइनिंग इक्वेशंस ऑफ वन डी वाई की जगह माइनस डी एक्स सेकेंड वाले से निकाल के फर्स्ट वाले में रख दो, एक्स डी पी डी वाई की जगह माइनस डी एक्स प्लस वाई डी क्यू माइनस डी एक्स इंटू ऐसे लिख दे रहा इक्वल्स टू जीरो, माइनस डी एक्स सब लिमिट हो गया, एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। वीडियो नंबर वन में इसके बारे में चर्चा किया था हमने, अगर ये मिल गया तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। इम्प्लाइज दैट एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी एड कर दीजिए, जीरो प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इसका इसका पेयर बनाइए, इसका इसका पेयर बनाइए, इंप्लाइज दैट
पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी प्लस क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इंप्लाइज दैट डी ऑफ पी एक्स प्लस डी ऑफ क्यू वाई इक्वल्स टू इसकी वैल्यू डी जेड होती है. इंटीग्रेटिंग वी गेट पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू जेड, तो इसको इधर कर लो माइनस जेड इक्वल टू सी टू. अब एक सी वन वाला एक सी टू वाला दोनों को कनेक्ट करेंगे. देयरफॉर इंटरमीडिएट इंटीग्रल करिस्पॉन्डिंग टू वन इज पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव वन ऑफ वाई प्लस एक्स. नंबर थ्री अब सेकंड सिस्टम के लिए सिस्टम वन सिस्टम टू जहां इकट्ठे आप लिखे हो वहीं पर बीच में जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिख दो नो सिमेट्री. अभी तक तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन उठा रहे थे एक सिस्टम के लिए इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाल लिए और दूसरे के लिए लिख देते थे सिमेट्री के आधार पे बाई सिमेट्री सिमिलरली. यहाँ सिमेट्री नहीं है देखो, इसलिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए भी. इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ टू, सिस्टम टू का सेकंड इक्वेशन ऐसा नहीं है जिसका इंटीग्रल तुरंत लिख दें, इसे भी थोड़ा ड्रेसअप करना पड़ेगा. तो उसका तरीका देखो लिखने को बता रहे हैं. इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन और ब्रैकेट में इसको ड्रेसअप कर लो डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ टू वी गेट लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी थ्री इंप्लाइज दैट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी थ्री. कंबाइनिंग इक्वेशंस ऑफ टू एक्स डी वाई की जगह वाई डी एक्स रख दो, तो ये हो गया डी पी इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स. माइनस डी क्यू इंटू वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो. वाई डी एक्स सबलिमिट हो गया. Implies that dp minus dq equals to zero. Integrating we get p minus q equals to c4. Therefore intermediate integral corresponding to system 2 is p minus q equal to phi 2 of y by x. Number 4 अब हम बढ़ेंगे complete integral की ओर.
कंप्लीट इंटीग्रल। थ्री और फोर को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो थ्री हमने मिटा दिया लगता है ना। थ्री था पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू फाइव वन ऑफ y प्लस एक्स, ये था नंबर थ्री। तो यहां पर लिखिए फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर कामा ए हटाओ, इसमें y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी वाई माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू y इंटू फाइव टू ऑफ y बाई एक्स ऐड कर दें, ये सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई पी इक्वल्स टू माइनस जेड को उधर कर दो, माइनस जेड को उधर कर दो, तो हो जाएगा जेड ऐड कर रहा प्लस फाइव वन ऑफ y प्लस एक्स प्लस वाई फाई टू ऑफ वाई बाई एक्स, इस प्रकार p की वैल्यू मिल गई, वन अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में z प्लस फाइव वन ऑफ y प्लस एक्स प्लस वाई फाई टू ऑफ वाई बाई एक्स। अगेन फ्रॉम थ्री एंड फोर, फिर थ्री लिखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू, वैसे लिख दे रहे जेड प्लस फाइव वन ऑफ वाई प्लस एक्स, अब की बार एक्स से मल्टीप्लाई करिए, पी एक्स माइनस क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स, सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस प्लस माइनस, पहला कॉलम कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू इक्वल्स टू जेड प्लस फाइव वन ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस एक्स फाई टू ऑफ वाई बाई एक्स, इस प्रकार से क्यू भी मिल गया। इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई विद इन द ब्रैकेट z प्लस फाइव वन ऑफ y प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू फाइव टू ऑफ y बाई एक्स। जब दो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस में सिमेट्री नहीं होती है, एक रास्ता और अख्तियार किया जाता है, पहले सिस्टम के रिस्पेक्ट में इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाल के लैग्रांज मेथड की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में अवॉइड किया इसको, क्योंकि सिस्टम छोटे छोटे हैं, इजीली सॉल्वेबल है, तो इजीली सॉल्व हो गया, क्यों हम अल्टरनेटिव रास्ता हम तब पकड़ें जब कोई कठिनाई हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। नाउ dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इंप्लाइज दैट dz इक्वल टू p
पी की वैल्यू में डी एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखो, ये वन अपॉन एक्स प्लस वाई विद इन द ब्रैकेट जेड डी एक्स प्लस फाइव वन ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स डी एक्स। अब भैया क्यू की वैल्यू में डीवाई से मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड डी वाई प्लस फाइव वन ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स इंटू फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स डी वाई। आप पेयरिंग करिए, इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, फिर आइए पहला कॉलम z कॉमन ले लिया, डी एक्स प्लस डी वाई, फिर इसमें फाइव वन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, डी एक्स प्लस डी वाई, इसमें प्लस फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स कॉमन ले लिया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये सेटिंग हो गई। एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एक्स प्लस वाई डी जेड माइनस जेड इंटू डी एक्स प्लस डी वाई, इससे मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को उधर हटा दिया, बकिया इन दोनों को फाइव वन फाइव टू को इधर ही रखो, इक्वल्स टू फाइव वन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई, प्लस फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको आइडेंटिफाई करना है, यही बहादुरी काम है। तो ये माइनस है, देखो ये माइनस डिफरेंशियल माइनस अगर है तो ये फ्रैक्शन वाले डी का इशारा करता है, जैसे देखो समझो डी ऑफ एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, लेकिन ये माइनस आ जाएगा तो फिर ये नहीं होगा, जैसे देखो हम डी ऑफ वाई बाई एक्स निकाल के दिखा रहे हैं, नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। या तो अगर सिर्फ आपको इतना ही कहीं पर दिख गया इतना, तो आप समझ लीजिए कि इसमें एक्स स्क्वायर से डिवीजन करना होगा, तब जा कर के ये बनेगा डी ऑफ वाई बाई एक्स। ऐसे ही यहाँ पर सब आपको अंदाजना है, दो जगह, एक इस वाले में एक इस वाले में, ये फाइव वन वाला तो बिल्कुल आसान है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड माइनस जेड इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से डिवीजन, इक्वल्स टू फाइव वन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स है इसमें, इसलिए माइनस कॉमन लीजिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल आइडेंटिफाई करें, ये है डी ऑफ जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना, देखो
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड माइनस जेड इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये इक्वल्स टू फाइव वन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये x प्लस वाई का पूरा फंक्शन ही है, इसकी जगह हम कुछ और डाल सकते हैं, इसकी जगह हम लिख दे फाइव थ्री ऑफ x प्लस वाई, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी नहीं कर रहा, एक दो स्टेप बढ़ा ही दे रहे, डी एक्स प्लस डी वाई माइनस फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स, और इधर क्या करें, यहां से x बाहर निकालिए तो हो गया एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, ये वाई बाई एक्स का फंक्शन के रूप में इसको डाल रहा, और ऊपर वही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक स्टेप और बेटा, इम्प्लाइज दैट डी ऑफ जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव वन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस डी वाई माइनस फाइव टू ऑफ वाई बाई एक्स इंटू, चाहे तुम लोग यहीं पकड़ लें, ये जो चीज है ये क्या है, ये है डी ऑफ वाई बाई एक्स, है कि नहीं, देखो, और नीचे बच गया वन प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की सुंदर सी सेटिंग है इस एग्जाम्पल में, अच्छा लगा। पुटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू यू so that dx plus dy equals to du in first term and y by x equal to v so that d of y by x equals to dv in second term of right hand side we have d of z upon x plus y equals to phi 1 of u upon u square du minus phi 2 of v 1 upon v square dv। ये देखो इतना मिलके u का कोई नया फंक्शन हो गया और इधर इतना मिलके v का कोई नया फंक्शन हो जाएगा, इक्वल्स टू फाइव थ्री ऑफ u डी यू माइनस भी इसी में समेट लो, माइनस भी इसी में समेट लो, प्लस फाइव फोर ऑफ v डी वी इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट z अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू साई वन ऑफ यू प्लस साई टू ऑफ वी इक्वल्स टू साई वन ऑफ यू एक्स प्लस वाई प्लस साई टू ऑफ वी वाई बाई एक्स वेयर साई वन एंड साई टू आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस, आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये है कंप्लीट इंटीग्रल, इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था ये। एग्जाम्पल्स का क्रम जारी रखेंगे, बिल्कुल आसक्त नहीं करेंगे, अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे ताकि ट्रेनिंग मुकम्मल हो सके। थैंक यू।